अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सबके अपने नसीब होते हैं। रावत राजीव सिन्हा के कत्ल के बारे में रानी से सवालात करता है। बैंक मैनेजर से शिप्रा को पता चलता है कि उसके खाते में 75 लाख रुपए हैं। शिप्रा विजय को एक सफेद वैन दिखाती है जो राजीव की मौत के बाद से उसके घर के बाहर उसकी जासूसी कर रही है। घर जाओ। शराब के बीच में नंगा कर रहे हैं, शराब पिए तूने? शराब पिए? आई स्वेयर मैंने शराब नहीं पी, मेरे शराब नहीं पी। घर चल, चलो। कब परे? भैया अंजलि। उसको मैं घर ले जाऊंगा और सीधा घर जाओगे तुम। आई बात सामने, चलो। लो अंजलि, घर आ गया तुम्हारा। अच्छा विजय जी, वो राजीव सिन्हा के कत्ल का कुछ पता चला? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता लग जाएगा। पता नहीं उनका खून क्यों किया गया, he was such a simple person, such a nice person, you know? तुम उनको जानती थी क्या? Well, कुछ खास नहीं, वो डैडी के फ्रेंड थे। अच्छा? पापा ने 2-3 बार उनका जिक्र जरूर किया था हमें। सुना तो मैंने भी ऐसा है। बड़े सीधे साधे आदमी थे वो। तुम्हें राजीव सिन्हा पसंद थे? अच्छे लगते थे, लेकिन he was not in my age group, बड़े थे मुझसे वो। तुम्हारी एज के लिए तो सिर्फ रॉकी ठीक है, हाँ? रॉकी, you think so ना? I also think so, लेकिन पता नहीं पापा को रॉकी पसंद क्यों नहीं आता। हाँ, मुझको भी ऐसा ही लगता है, पर अंजलि he is a very nice boy, बहुत अच्छा लड़का है रॉकी। पर तुम्हारे फादर उससे इतने नाराज क्यों रहते हैं? वो तुगल अंकल का बेटा है ना, इसलिए। तुगल अंकल ना पुलिस कमिश्नर है और पापा पुलिस वालों को सख्त नापसंद करते हैं। पापा कहते हैं कि पुलिस वाले, प्रेस वाले और पॉलिटिशियन से दूर रहना चाहिए। एंड आई ऑल्सो एग्री विथ हिम, यू नो दे आर सच क्री। आई एम सॉरी। ओह नो, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट अंजलि, उस दिन मुकेश अग्रवाल की पार्टी में कमिश्नर साहब थे, रॉकी था, उनकी वाइफ थी और वो प्रेस वाला रावत भी मौजूद था। अरे वो तो मम्मी के प्रेशर की वजह से, लेकिन पापा तो सिर्फ 2-3 अपने बिजनेस फ्रेंड्स को बुलाना चाहते थे। वेल, मम्मी हम आंटी को बहुत सालों से जानती है ना, शायद इसलिए बुलाया होगा उनको। लेकिन मैं पार्टी में नोटिस कर रही थी कि पापा मम्मी के सारे फ्रेंड्स को इग्नोर कर रहे थे, दूर दूर रह रहे थे उनसे, और खास करके दुगल अंकल से। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो कमिश्नर साहब से डरते हैं? हो ही नहीं सकता, वो तो इतने बड़े बिजनेसमैन है भाई। अरे ही वांट्स टू बिकम अ बिलियनेयर, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं? हर अमीर आदमी और अमीर बनना चाहता है। पापा को फॉरेन एक्सचेंज में बहुत इंटरेस्ट है, यू नो ही कीप्स ऑन टॉकिंग दैट लो रेट में लो और हाई रेट में बेचो एंड पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं कि फ्रैंक डॉलर्स एंड ही यूज़ दिस टिपिकल टर्म व्हिच इज कॉल्ड पट्टी, नो नॉट पट्टी, हाँ पेटी, ही यूज़ दिस टर्म पेटी। एक बार पता है क्या हुआ, पापा की सेक्रेटरी का फोन आया, कोई घर पर था नहीं इसलिए मैंने फोन उठाया एंड विदाउट हियरिंग माई वॉइस वो चालू हो गई कि मैं स्विट्जरलैंड पहुंच चुकी हूँ, डील फाइनल हो चुकी है, क्या रेट में लोगे, क्या रेट में बेचोगे, और पता नहीं मुझे तो समझ भी नहीं आया, शी जस्ट वेंट ऑन सेइंग दैट 29 का रेट डिसाइड हो गया है। तो बट सो नर्वस मैंने तो फोन ही नीचे रख दिया, आपको पता चल जाता था वुड हैव बीन डेड, यू नो। उसके बाद ना घंटी बजती रही, मैंने तो फोन ही नहीं उठा और पापा को कहा भी नहीं।
निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ, कहाँ तुमसे निकल रहा हूँ। हाँ बस अभी उठा और अभी पहुंचा, हाँ 15 मिनट में। और सुनो, तुम यहाँ बार बार फोन मत किया करो, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने। बस ये फाइल्स हैं, थोड़ा सा काम है, इनको डिस्पोज करके आई विल बी देयर। आई टोल्ड यू आई विल बी देयर, नाउ पुट डाउन द फोन। ये औरतें मुकेश। आयशा अब सॉरी आने में देर हो गई, मगर सुनो तुम बार बार ऑफिस में फोन मत किया करो, ऑफिस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और खास करके उस मामले के बारे में मैं ऑफिस में डिस्कस नहीं करना चाहता। पूरी तरह से हाफ रहे हो, पहले बैठ जाओ। मगर आयशा, आयशा इट्स बीन अ वेरी टायरिंग डे, मैं भोखला सा गया हूँ। चाय पियो गया ठंडा? तुम कभी भोखलाती नहीं, तुम्हें देख के मैं हैरान रह जाता हूँ। कैसी हैरानी मुकेश? मतलब बड़ी सी बड़ी समस्या में, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में तुम हमेशा शांत रहती हो, समुंदर की तरह। समुंदर के पास रहती हूँ इसलिए। बराबर, ऊपर से शांत नीचे से परेशान। अच्छा सुनो, उस पार्टी का क्या हुआ? ये रहा 20 लाख रुपए, उस पार्टी को वापस कर दो। क्यों? क्योंकि मैं 35 रुपए का डॉलर 31 रुपए में नहीं दे सकता। I am not a fool. तुम जुबान दे चुके हो मुकेश, यू हैव ऑलरेडी कमिटेड योरसेल्फ। डॉलर हमें 31 के भाव से देने ही पड़ेंगे। मैं सस्ते में क्यों बेचूं डॉलर? मैं सस्ते में डॉलर क्यों बेचूं? जो मार्केट का रेट है मैं उसी रेट में बेचूंगा। उनको खरीदना है खरीदे, नहीं खरीदना मत खरीदे। बिजनेस ऐसे नहीं चला करते मुकेश, तुमने उन लोगों से रुपये एडवांस में लिए थे। हाँ लिए थे, बिल्कुल लिए थे, मेरी मर्जी। अब मुझे उनके साथ में धंधा नहीं करना। अरे एडवांस में पैसा लेने का मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपनी ही दुकान लुटवाने के लिए मार्केट में बैठा हूँ। और डॉलर और पाउंड्स के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। घाटे में धंधा करना मेरे उस्तादों ने नहीं सिखाया। This is bad business, मुकेश। हवाला जैसे बिजनेस में वादा करके फिरा नहीं करते। बेहतर यही है कि उनके डॉलर उन्हें वापस दे दिए जाए, इसी में हम दोनों की भलाई है। दोनों की भलाई या उनकी भलाई, तुम किसकी तरफदारी कर रही हो? मुझे किसी गैर की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है मुकेश। हम 15 साल से साथ साथ हैं, एक दूसरे के नफे नुकसान में बराबर के शरीक हैं। फिर तुम्हारी ये इनसिक्योरिटी, ये घबराहट, ये गलत फहमियां किस बात के लिए? खैर इस वक्त मुद्दा कुछ और है। सवाल हमारे संबंध का नहीं बल्कि अपने बिजनेस कमिटमेंट के हैं। वी आर ड्रॉपिंग दिस डील आयशा। वी कैन नॉट ड्रॉप दिस डील मुकेश। आयशा
क्या तुम? नहीं, वो किसी काम से मैं बाहर चला गया था। गाड़ी तो ड्राइवर के हाथों भिजवा दी थी तुमने। हाँ, वो मैं दूसरी गाड़ी लेके चला गया था, तो मैं बाहर जाना था ना, इसलिए ड्राइवर को उस गाड़ी के साथ में भेज दिया। शाम की भीड़ में अकेले गाड़ी लेकर गए थे? अकेले गाड़ी लेकर गए थे? मतलब क्या तुम्हारा? अकेले गाड़ी मतलब क्या तुम्हारा? इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं तुमसे पूछ नहीं सकती क्या कि कहाँ जा रहे हो, कब लौटोगे, इतनी रात तक कहाँ थे तुम? अब इस घर में मुझे हर साथ लेने के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी, जैसे तुम घर वाली नहीं कोई पुलिस वाली हो। पुलिस वाला है? पुलिस? आप कैसे आए पता? नौकर ने दरवाजा खोला। क्या काम? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आइए, मैं तो उस मर्डर वाले रात से तुम्हारा फैन हो गया। क्या एनालिटिकल माइंड है, क्या इंटरोगेशन, क्या सवाल जवाब। कहिए क्या लेंगे आप खाने के लिए, पीने के लिए? व्हाट विल यू लाइक टू हैव? तो एक गिलास ठंडा पानी। एक गिलास ठंडा पानी? और सुनो, बर्फ डाल के लाना। प्लीज बी सीटेड, वाटर विल बी कमिंग। बैठिए। कहिए कहिए। मिस्टर अग्रवाल, आप काफी बड़े बिजनेसमैन हैं, आप तो जानते होंगे कि बगैर किसी परमिट के या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑथराइजेशन के बगैर किसी भी किस्म की फॉरेन करेंसी में डील करना एक गैर कानूनी जुर्म है। हाँ, गैर कानूनी जुर्म है। राइट राइट। कब से कर रहे हैं आप ये पाउंड्स और डॉलर्स की ब्लैक मार्केटिंग? फेडरल रेगुलेशंस कब से तोड़ रहे हैं आप? ये आपसे किसने कह दिया? मैं तो स्ट्रेट बिजनेस करता हूँ, सीधा साधा धंधा। आयशा समतानी, आपके हवाले के रैकेट में आपकी बराबर की हिस्सेदार। आयशा समतानी? आपकी एक्स सेक्रेटरी मिस्टर। हाँ, मगर बहुत साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। कहाँ है वो, क्या कर रही है वो? वही कर रही है मिस्टर अग्रवाल जिस रास्ते पे आप उसको आज से 12 साल पहले ले गए थे। हवाला रैकेट। क्या क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं वही कह रहा हूँ जो सच्चाई है। और देखिए प्लीज, झूठ बोलकर अपने आप को और मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए इंस्पेक्टर, आपने मुझसे ये क्यों नहीं कहा कि आप राजीव सिन्हा को जानते हैं? मैंने कहा तो सही। आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि आप राजीव सिन्हा को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि आप उससे बार बार फॉरेन कंट्रीज में मिलते रहे? इंस्पेक्टर, स्विट्जरलैंड में आपने राजीव सिन्हा के साथ स्विस फ्रैंक का हवाला रैकेट किया, जहां पर आपके साथ आयशा समतानी मौजूद थी, आपके होटल में, आपके कमरे के अंदर, जहां पर वो आपके साथ रह रही थी। छुड़ाया मैंने उसी को। एक आदमी आया था प्लास्टिक के बैग में डाल करके उसको, ताकि खून वून इधर उधर ना बिखरे। वो लोग इस बात से बहुत डरते हैं कि कुत्ते को कोई बीमारी ना हो। लूसी को कोई बीमारी नहीं थी। हाँ मैं जानता हूँ। चल उठ, कैंटीन चलते, चाय पीने के लिए चल। मुझे काम है, तू जा। काम के लिए तो पूरा दिन पड़ा है ना। चल रावत, मुझे चाय वाय नहीं पीनी, तू जा यार। अरे यार, तू दूध पी लेना, पानी पी लेना मेरे बाप, अगर तू जहर भी पिए तो मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तू यहाँ चल यार। देख, वहाँ लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, मेरा दिमाग आ जाए खराब। मेरे कान के नीचे किसी ने दो बड़ा पाव दो चाय चिल्लाया ना, मैं साले की खोपड़ी फोड़ दूंगा, तेरे को बता। सुबह सुबह मारपीट का बहुत मजा है। तू चल यार। अलावा तू मेरा दिमाग मत खराब कर यार, तू जा यहाँ से। यार देख, सारी रात मैं भी इस कमरे पर सड़ता रहा, मेरे कपड़ों में तो फाइलों की बू आ रही है, सुनेगा ये? सुन, कमाल करता है यार। अब मैं नहीं सुन सकता बदबू को यार, सारी रात में सारी बैठा रहा हूँ यार। देख, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो फोन मोड़ करने वाले सब उठा उठा भाई तुम्हें मैं बता रहा हूँ तुझे। चलो चल। ओके ओके भाई साहब, ओके। हाँ अभी लाता हूँ। अरे दो चाय लाने। दो चाय दोबारा पाओ, जल्दी फटाफट। मैं रात भर बात कैसे करूंगा रावत? लूसी को सारे दिन का किस्सा सुनाए बगैर मुझको नींद नहीं आती यार। मेरे दिमाग चाट लिया करना यार, यहाँ भी कौन सोता है रात भर? जिन लोगों ने लूसी को मारा ना रावत,
वो कभी ना कभी तो मेरे पीछे आएंगे जब तक मैं इस केस पे हूँ, और मैं ये केस छोड़ के जाने वाला नहीं, चाहे कुछ हो जाए। अगर वो समझते हैं कि ये सब करके वो मुझे डरा देंगे, तो उन्हें मालूम नहीं कि उनका पाला किस सर फिरे पागल से पड़ा है। पर तू सब चक्कर में क्यों पड़ना चाहता है दोस्त? छोड़ दे इस केस को, कल को तुझको भी कुछ हो सकता है। विजय, काम से तो छुटकारा नहीं पाया जा सकता दोस्त, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर लूसी आदमी की मौत मर सकती है तो क्या हम कुत्ते की मौत मरे? ऐसा भी क्या डरना दोस्त? छोड़ो, दो चाय लेके आओ, लगता है आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरने वाला है। तो फिर ये क्या है शिप्रा? क्या है ये? ये एक गोल्ड पेंडेंट है जिसके ऊपर आर लिखा। जिस दिन राजीव की मौत हुई उसकी जेब से बरामद हुआ था। तो इसका मतलब ये निकलता है क्या कि शायद राजीव ने किसी के लिए खरीदा हो? इसका नाम आर से शुरू होता है, जैसे कि रानी चौहान। ओह गॉड, राजीव रानी चौहान को जानता तक नहीं था। तो फिर ये उसकी जेब में कैसे पहुंच गया? मैं यहाँ कोई खेल खेलने नहीं आया हूँ। कल रात किसी ने मेरे घर में घुसकर मेरे कुत्ते को जान से मार डाला है। कातिलों की तरफ से बहुत सीरियस वार्निंग है, समथिंग वेरी सीरियस गोइंग टू हैपन। मैं तुम्हें कोई दुख पहुंचाना नहीं चाहता शिप्रा, पर तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना चाहिए। ओके ओके, पूछो पूछो जो पूछना है पूछो। पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में तुम मुझे बताना चाहो? कोई यहाँ पर आया हो? कोई टेलीफोन कॉल? हाँ, एक टेलीफोन आया था। किसका? थिएटर। आई थिंक इट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। कोई नाम पता ठिकाना कुछ बताया उसने? मैं पूछने ही वाली थी, उसने फोन काट दिया। कुछ नहीं बताया उसने? उसने सिर्फ यही पूछा, राजीव घर पर है? विजय विजय, बिलीव मी, ये सब झूठ है विजय। राजीव के जीवन में दूसरी औरत हो ही नहीं सकती सिवा मेरे। जरूर जरूर उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, उसे कोई फंसाना चाहता है विजय। घर आया है, किनक तक किनक तक किनक तक किनक तक है। घर आया है, किनक तक किनक तक किनक तक किनक तक दा गाए जागी तू मिलन के, तू अपनी लगन से सजन घर आया है। डारिंग, तुम यहाँ बैठी हो अकेले, मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ। पुकारता, बच्चे कहाँ हैं? मैंने उन्हें बाहर भेज दिया है। आ, क्यों? क्योंकि मैं उनके सामने घर छोड़कर जाना नहीं चाहती। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। 104 बुखार होगा। लेट मी टच यू इन द हाथ। मत लगाओ मुझे। करंट, जब दो दिल मिलते हैं ऐसे ही बिजली का करंट लगता है। घटिया बातें उस औरत को जाकर सुनाना जो मजे ले लेकर तुम्हारी बातें सुनती होगी। कितनी खूबसूरती से तुम अपना असली रूप छुपा सकते हो। तुम अगर किसी का कत्ल भी करो तो किसी को कभी शक भी ना हो कि कातिल तुम हो। ममता, तुम किस औरत के बारे में बात कर रही हो? मैं नहीं जानता। उस औरत के बारे में जिसके साथ तुम सालों से अय्याशी कर रहे हो, जिसे अपनी सेक्रेटरी बोलकर लोगों से मिलवाते हो। अरे वो अपनी आयशा। जो मैं आयशा, मैं उसका नाम नहीं जानती। मेरी माँ नहीं लगती वो, कि मैं उसका नाम याद रखती। ममता, तुमको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम उसे जानती नहीं, पहचानती जानते अरे हो ना, उसे पहचानते हो ना? खानदानी है कि नहीं? वो भी तुम्हारी तरह खानदानी। हाँ, कुछ शौक खानदानी होता है ना, रखेल रखना, हवाई जहाज में लेके घूमना, इधर उधर घूमते रहना, गाड़ी दिलाना, उसको बंगला खरीद कर देना, फ्लैट दिलाना, स्मगलिंग करना, ये सब काम खानदानी अय्याश हो गई है ना, है कि नहीं? शरीफ औरत, शरीफ औरत। शुक्र है तुमने उसको सीता का अवतार नहीं बोला, वरना तुम अपने आप को भी राम समझने लगते। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जिसे सुनने की हिम्मत तुम जैसे बुजदिल और बेशर्म में कभी नहीं होगी। बेशर्म? क्या बेशर्मी की है मैंने? अरे किया क्या है मैंने? वही घर में बीवी है, दो जवान बेटे हैं, एक जवान बेटी है जिसकी अभी शादी होनी है, और तुम हाथ में गजरा लगाए, आंखों में सुरमा लगाकर बाजार में घूमते हो, कभी इंग्लैंड कभी स्विट्जरलैंड। वाह, क्या जिंदगी है तुम्हारी। वाह, पता नहीं सब तुमको
वो सब बिजनेस टूर थे। बिजनेस टूर? हाँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं एक ही होटल में, एक ही होटल के एक ही कमरे में उसके साथ रहना, उस औरत के साथ, ये बिजनेस का ही हिस्सा है ना? सब झूठ है, सब गलत है। कुछ झूठ नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल झूठ नहीं है। तुम उस औरत के लिए हवाला का गैर कानूनी काम करते हो, स्मगलिंग करते हो, किसके लिए? उसी औरत के लिए ना? ममता, मुझे मुझे नहीं सुननी। तुम बैठो, तुम मेरी बात सुनो। नाइंसाफी होगी। ये बंगला, ये गाड़ियां, ये ऐशो आराम, इन सब चीजों में ऐशा का बहुत बड़ा हाथ है। तो फिर रखो ना उसी को इस घर के अंदर। सब कुछ इस घर में उसी का है। ये सब उसका है, तो रखो ना उसी को। सुनाओ उसी को, इस बिस्तर के ऊपर सुनाओ। मेरा सब सामान उसी का है, उसी को दे दो। मेरा क्या है इस घर के अंदर? क्या है मेरा? हाँ बोला ना मेरा तो कुछ भी नहीं है। अपने दोस्तों की मेहमान नवाजी के लिए उसी को रखो ना, रखो उसी को, रखो मेरा क्या है यहाँ पर? तुम भी तो उसी को है ना, तुम भी उसी का हो। चाहती हूँ मैं यहाँ से, चाहती हूँ यहाँ से। ममता, राजीव सिन्हा का घर यही है? जी हाँ। व्हाट अ रिलीफ, मैं तो थकी गई थी घर ढूंढते ढूंढते। विल यू प्लीज टेल हिम दैट अनीता हैज कम फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर? तन्हाइयों के जजीरे में भी लोग बसते हैं। तन्हाइयों के जजीरे में भी लोग बसते हैं। कुछ तो दोस्त होते हैं और कुछ रकीब होते हैं। वो रास्ते अजीब होते